हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स। सो आप अगर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और ट्रिप अगर प्लान कर रहे हैं टू द ऑस्ट्रेलिया, सो आई मस्ट टेल यू द थिंग्स जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। दैट्स पहले हम करते हैं कि हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए, व्हाट शुड वी कैरी, द मस्ट हैव जो हमारे पास होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उसको आप अच्छे से सुनिए पूरी वीडियो को, और आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, आई अश्योर यू। सो लेट्स गो। तो आपको ले जाना चाहिए फर्स्ट होती है सनस्क्रीन, क्योंकि वहाँ टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप समर्स में जा रहे हैं, विंटर्स में जा रहे हैं, आप सनस्क्रीन कैरी कीजिए। और सेकेंडली द जैकेट और द जंपर कुछ भी एक कैरी कीजिए। डोंट थिंक कि अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो आपको ठंड नहीं मिलेगी या फिर ठंडी हवा नहीं मिलेगी। इफ़ यू आर गोइंग इन समर्स ऑल्सो, द वेदर इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। अगर आप समर्स में भी जाएंगे तो आपको जो इवनिंग का टाइम होते नाइट के टाइम पे काफ़ी ठंडी हवा चल जाती कई बार, तो आप वेदर इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। तो एक जंपर जैकेट ज़रूर कैरी कीजिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। हाँ, जिसको शॉपिंग करने शो कर वो वहाँ जाकर परचेज करने वाला है वो अलग बात है, बट आई डू कैरी माई थिंग्स और मैं शॉपिंग में पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ इन अदर कंट्रीज या कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पर जाकर, बिकॉज ऑब्वियसली द प्राइस आर वेरी हाई इन रिलेटेड टू इफ रिलेट टू इंडिया टू दिल्ली। दिल्ली में इतनी अच्छी शॉप्स होती हैं, इतनी प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ही चीप एंड अच्छी प्ले जो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स मिल जाते हैं। सो यू मस्ट कैरी द जंपर एंड वाटर बॉटल जो भी आपके रीयूजेबल, वो तो आप ऑब्वियसली कैरी करने ही वाले हैं, तो वो आप कैरी कीजिए। रेन कोट कैरी कीजिए, बिकॉज रेन वगैरह भी अनप्रडिक्टेबल होती है। वन डे आपको बिल्कुल सनी नज़र आएगा, द नेक्स्ट डे इट विल स्टार्ट रेनिंग, सो एक रेन कोट भी आप रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दो तीन चीज़ें जो आपको ज़रूर रखनी चाहिए। या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द चार्जर, द अडेप्टर भी आपको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास स्विचेस होते हैं वो अलग होते हैं। सो जो भी है पोर्टेबल जो एक अडेप्टर होता है वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा। आप सर्च कीजिएगा, अमेजोन पर इज़िली अवेलेबल होगा, वो किसी भी साइट पर या जाकर ले लीजिएगा, लेकिन वो भी कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं भी होटल वगैरह में स्टे कर रहे हैं वहाँ पर इंडियन प्लग्स, ये वाले हमारे प्लग्स नहीं मिलने वाले आपको। सो अभी आप कैरी कर लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि हमारा नहीं काम चलता है, लाइक चार्जर हमें चाहिए ही चाहिए, सो वो आप कैरी कर सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूर कैरी करनी चाहिए। फिर फटाफट से अब मैं बताती हूँ कि कब जाना चाहिए आपको, व्हेन टू गो। अब तो आपको जाना, मेनली जो ऑन सीज़न होता है वो होता है दिसंबर टू फेब्रवरी, लेकिन हाँ टेम्परेचर उसका 17 to 23-24 के आसपास रहता है, और आप वहाँ पे उस टाइम पे जा सकते हैं। बट दिसंबर में जो फ़्लाइट टिकट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी कॉस्टली भी होती हैं। सो अगर आप उसको प्राइस को देखते हुए अगर देख रहे हैं तो मार्च सीज़न भी अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। मार्च में तो ईस्टर वहाँ पर सेलिब्रेट होता है, द सेलिब्रेशन होता है जो फेस्टिवल, लाइक ईस्टर के एग्स वगैरह सब जगह डेकोरेशन की गई, तो वो भी अच्छा है। मार्च इज़ ऑल्सो गुड, मौसम अच्छा होता है मार्च में भी। आप वैसे तो कभी भी जा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लाइक अगर आप किड्स हैं आपके साथ, तो समर वेकेशंस में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जब भी आपका आप ओके यू कैन गो, बट आई विल से कि समर्स में जाना प्रेफर करें, विंटर्स में नहीं करें, बिकॉज विंटर्स में ऑलमोस्ट 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। मॉर्निंग में आप इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जा सकते तो इट्स गुड, बट इवनिंग में आप नहीं जा सकते हैं। एंड इन समर्स आप थोड़ा सा लंबा दिन होता है, तो यू कैन एंजॉय द मोर। लेकिन अगर समर विंटर्स में मेनली जो ज़्यादा ठंड हो जाती है, काफ़ी ठंड हो जाती है विंटर्स के टाइम पे, सो इट्स प्रेफरेबल कि समर्स में जाएँ, और वरना विंटर्स भी इज़ ऑल गुड। आप विंटर्स में जस्ट कि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में जाइए, आपको जहाँ भी प्लान करना है, और अपना 4-5 बजे तक घर आ जाइए, होटल आ जाइए, जो भी आपका जहाँ भी स्टे करें, घर होटल व्हाटएवर। और अगर लेकिन हाँ, समर्स में आपको मॉर्निंग में जब धूप होगी, आफ्टरनून में आप नहीं निकल पाएंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप जा सकते हैं, आफ्टरनून में धूप थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो वो अवॉइड कीजिए। अदरवाइज जा रहे हैं तो कीप इट हाइड्रेट, कीप योर बॉडी हाइड्रेट,
ये इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कैरी कीजिए अपने साथ, पाउचेस वाले आते हैं हमारे यहाँ पर वो कीजिए, अदरवाइज़ वहाँ भी मिल जाएंगे। और द वाटर इनटेक काफ़ी अच्छा रखिए, द फ्रूट्स और ये सब लीजिए तो बॉडी को हाइड्रेट रखिए, अदरवाइज़ बीमार भी पड़ सकते हैं आप इन समर्स अगर आफ्टरनून में निकले तो। तो ये पहली इन द फॉरमोस्ट थिंग यही होती है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, तभी आप बहुत सारा घूम पाएंगे। ओके चलो फटाफट से अब चलते हैं कि कहाँ कहाँ हमें जाना चाहिए। तो हमने देख लिया है क्या हमें लेकर जाना है, कौन से मंथ्स में जाना है और कहाँ घूम सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपने आपकी और अपनी दोनों की ही बताते हैं, हम प्लान करते हैं कुछ 7 to 10 day itinerary। ओके सो लेट्स गो। सो तो अब हम आते हैं हमारे पास आइटिनरी घूमने पर, ठीक है। तो आपने पहले जब भी आपको पहले जाना है तो मेरा पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले तो आप सिंगापुर से जा रहे हैं लाइक इंडिया टू सिंगापुर एंड देन टू सिडनी। तो सिंगापुर में लेओवर जो है आपका वो रखिए एटलीस्ट 7 hours का, क्योंकि अगर आप वो रखेंगे तो आप अपना बुक करवा सकते हैं टू द एक टूर जो कि बस आपको घुमाते मेन मेन प्लेसेस टू द सिंगापुर के बाहर जा सकते हैं आप, ठीक है। बिकॉज इमिग्रेशन वगैरह के लिए आपको टाइम चाहिए आपको जाने आने के लिए, तो वो मिनिमम आर्स का टाइम होता है जो कि आप रखें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सिंगापुर में उस टाइम मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग होनी चाहिए, मीन्स 6 बजे से पहले का टाइम रखिएगा, अदरवाइज़ आप नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा टाइम रखिएगा कि आप वहाँ पर जो बीच में जो आपका लेओवर है वो आपका आफ्टरनून या मॉर्निंग टाइम हो, अदरवाइज़ आप नहीं जा पाएंगे। 6 o'clock के बाद वो नहीं जाती है, कोई भी बस का जो रूट होता है लास्ट 6 होता है इवनिंग में। सो अब उसको भी देखना पड़ेगा। हम बाहर नहीं गए थे सिंगापुर में, वहीं घूमे थे एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे पास है युवान तो किड्स के साथ ही होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक कि एक लेओवर ऑलरेडी है, फ़्लाइट इतनी बड़ी है और उसके बाद हम 7-8 घंटे का लेओवर ले रहे हैं तो वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है बाहर घूमने के लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी 2-2 flights में भी बच्चे को उसको काफ़ी हेक्टिक हो जाता है रखना। सो हमने नहीं लिया था, लेकिन आप ज़रूर लीजिएगा, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके साथ में सिंगापुर भी कवर हो जाता है। ओके सो अब चलते हैं, फिर चलते हैं सिडनी। अब सिडनी पहुंचने के बाद आप देखो रेस्ट कीजिएगा पहले तो, क्योंकि जो थोड़ा सा हमारा पास हमें थोड़ा सा हेक्टिक हो जाती है हमारी फ़्लाइट्स वगैरह, तो उस दिन तो हमारा रेस्ट चलता है बट रेस्ट मोड पर रहते हैं हम। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप पहले, मैं प्रेफर करूँगी कि मैं बोलूँगी कि आप यू मस्ट एक्सप्लोर द सिटी। आप जहाँ भी रुक रहे हैं लाइक सिडनी सिटी में आप अगर रुक रहे हैं तो यू मस्ट एक्सप्लोर द सिडनी सिटी फर्स्ट। 2 दिन लीजिए, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, पहले उसको एक्सप्लोर कीजिए जिससे कि आपकी थकावट भी उतर जाए, लाइक रिलैक्स मिले आपकी बॉडी को भी। बहुत ज़्यादा हैक्टिक ना हो, बहुत हॉप चॉप करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी भी हम घूमने जाएँ तो हमें फटाफट से भागने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारा बॉडी पे भी इफेक्ट करता है और नहीं कर पाते हम। हाँ ऑब्वियसली यंग कपल्स वगैरह जा रहे हैं सिर्फ और किड्स वगैरह नहीं है तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं इधर उधर, अदरवाइज किड्स के साथ थोड़ा सा टेक इट ईजी सो देट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पूरे आपके ट्रिप के दौरान। तो हमारे पहले सिडनी एक्सप्लोर कीजिए। सिडनी सिटी में मैं आपको बताती हूँ, सिडनी सिटी में आप पहले अपना सर्कुलर में ही, पास में सर्कुलर है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है सिडनी सिटी में, अगर आप स्टे कर रहे हैं तो वो दूर नहीं होगा। तो वहाँ पर आप पहले कीजिए कि अपना सिडनी सिटी में ही स्टे कीजिए थोड़ा सा नियर बाय। बाकी सिडनी सिटी का मैंने जो नोवोटेल का आपको नोवोटेल का जो स्टे है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है अपने व्लॉग्स में, आप वहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर मैंने स्टे किया था, कैसे हम गए थे, वो आप सब देख सकते हैं। मेरे 2 बार में हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहाँ पर आपके मेरे सब चीज़ें दिख जाएंगी, कहाँ कहाँ घूमे थे, कैसे गए थे, टिकट्स वगैरह सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। सो अब है हमारे पास सिटी में हम जा सकते हैं लाइक ज़ू, मैडम तुषाद एंड मैनी थिंग्स एट चाइना टाउन एंड फॉर द शॉपिंग, और काफ़ी चीज़ें जो कि सिटी ही आप एक्सप्लोर कीजिए। उन्हें टावर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एक्सपीरियंस। टावर ऊपर जाइए आप, द स्काई वॉक है वहाँ पर और वहाँ से ऊपर से व्यू इतना अच्छा है, सारा पूरा सिडनी सिटी दिखाई देती है, तो दैट वॉज़ वेरी नाइस। और फर्स्ट डे जो आप अगर एक्सप्लोर पूरा कर वो सारा एक्सप्लोर कीजिए, और द सेकेंड डे अगर आपको हेक्टिक नहीं रहता तो सेकेंड डे आप सिटी में ही फेरी से आप जा सकते हैं हमारे पास मेनली बीच, दैट वॉज वेरी नाइस। मेरा बहुत वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था फेरी का, फेरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। फेरी से ही आप यहाँ पर जो सिटी में ओपरा हाउस वगैरह आप सर्कुलर को पहले ही एक्सप्लोर कर लीजिए, बाकी अगर आप वहाँ से जाएंगे
तो डार्लिंग हार्बर के से होते हुए आपको फेरी लेकर जाती है द ओपरा हाउस एंड द मैनी थिंग्स एंड द ब्यूटिफुल व्यू जो होता है ना वो दिखता है आपको, इतनी ब्यूटिफुल सीनरी है। मैनली बीच जाइए, बीच में मज़ा लीजिए, और वहाँ पर आपके बनाए थोड़े से सिटिंग एरियाज बनाए हुए हैं, यू कैन जो लाइक अ पिकनिक ऑल्सो। सो दैट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वो भी आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है, और जो न्यू है मेरे उस पर चैनल पे, सो यू मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक, और मेरे सारे व्यू देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, और जाने से पहले आप ज़रूर देखिए। सो ये हो गया हमारे साथ 2 दिन का, अगर हमारा हो गया सिटी अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ यू आई से कि अगर 1 दिन आप एक्सप्लोर कीजिए सिडनी को, सिडनी सिटी को, फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे कीजिए, लास्ट डे भी यहीं स्टे कर जाइए क्योंकि पास में आपको एयरपोर्ट सिडनी सिटी से ही पड़ने वाला है। अदरवाइज़ आप वन डे आप एक्सप्लोर कर कर और फेरी का एक्सपीरियंस बाद में ले सकते हैं, अदरवाइज़ फेरी ले सकते हैं पहले और फिर एक्सपीरियंस, बट यू नीड 2 डेज़, 2 डेज़ आपको चाहिए चाहिए सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, जी मिनिमम 2 डेज़, बिकॉज उससे पहले नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ, आप उस नेक्स्ट डे जाइए आप वोलंगोंग। वोलंगोंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस प्लेस आई मस्ट से। वोलंगोंग में था, हम वोलंगोंग गए थे, और उसकी भी ड्राइव करके जाइए, 1.5 आवर के अप्रोक्स लगेगा आपको वोलंगोंग। वोलंगोंग इज़ अ प्लेस जहाँ पर बीच और माउंटेनरी एरिया का आपको दोनों का एक्सपीरियंस मिल सकता है, वो भी मैंने अपने ब्लॉग वो भी मैं एक ब्लॉग मेंशन किया हुआ। वोलंगोंग गए थे हम, वोलंगोंग जाइए आप, अपना बीच पे भी कर सकते हैं, माउंटेन इतनी ठंडी हवा चल रही थी, वहाँ माउंटेन्स में लग रहा है माउंटेन्स आ गए, लाइक अगर आप वहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिएगा, वहाँ बैठेंगे तो आपको लाइक हम यहाँ से अगर दिल्ली से शिमला चले जाएँ, मनाली चले जाएँ, तो ऐसा एक्सपीरियंस हो, इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर, उतार से आ गया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वोलंगोंग का भी। देन तो आप वहाँ पर आप ड्राइव करके जाइए और वापस आ जाइए, अपना उसमें स्टे कीजिए, जो भी आपका बाकी का टाइम बच रहा है, आप अगर कपल है तो फिर आप थोड़ा बहुत ड्राइव करके वोलंगोंग घूम के आइए, वापस आ जाइए, तो आप इवनिंग में अपना फेरी राइड के भी जा सकते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट थर्ड डे आई विल से आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए ब्लू माउंटेन्स। अगर आप सिडनी रुक रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो, अगर आपको सिटी टू सिटी लाइक मेलबोर्न एंड द पर्थ ये सब अलग सिटी में इसमें जाने की ज़रूरत है, अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको हेक्टिक नहीं करना है। हाँ अगर आपको जाना है और आपको काफ़ी एरिया को लाइक एक्सप्लोर ही करना है तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक्सपीरियंस अलग अलग मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर मैं बता रही हूँ, अब ब्लू माउंटेन्स जाते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बता रही हूँ ब्लू माउंटेन्स जाइए आप थर्ड में, हम भी ब्लू माउंटेन्स गए थे, वहाँ हमने स्टे किया था, इट फील सो गुड। बिल्कुल सिटी जो है थोड़ा सा क्राउडेड है, मॉल्स है, टावर है, और जो थोड़ा सा क्राउडेड लगेगा आपको, लेकिन आप जैसे ही माउंटेन्स की साइड जाएंगे, और इतना ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट टेक 1 1.5 आवर फ्रॉम द सिटी एंड आप ब्लू माउंटेन्स पहुँच जाते, बिल्कुल माउंटेनरी एरिया है वहाँ, मैंने अपने ब्लॉग्स में भी एक्सप्लेन किया है आपको, बिल्कुल क्लाउड्स बिल्कुल आपके विंडो के पास आ जाते हैं, यू नो दैट इज लुक वेरी ब्यूटिफुल। और जो हमारा होटल रिजॉर्ट में जो हम रुके थे वो तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था, बिल्कुल द फेयर माउंट, तो आई मस्ट रिकमेंड दैट सेम होटल यू शुड स्टे अगर ब्लू माउंटेन्स जा रहे हैं तो। थोड़ा खाने का इशू आएगा, ब्लू माउंटेन्स में आपको वेज ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, लाइक वीगन वगैरह करके आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा तो 1 दिन के लिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा इशू होता है। और सिटी में आपको मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन हमें मिला था होटल में, तो नॉर्थ इंडियन वहाँ पर मिल गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम इतना नहीं हुआ था हमें। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, हम अगर आप स्टे करके आ रहे हैं नेक्स्ट डे आइए और फिर आप अपना ट्रिप बनाइए टू द कैनबरा। कैनबरा को भी कवर कीजिए क्योंकि कैनबरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 3.5 आवर, तो आप उस दिन में पहुंच जाते हैं, वहाँ भी स्टे कीजिए आप, एटलीस्ट 2 डेज स्टे कीजिए, वो अलग सिटी का अपना मज़ा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिडनी एक सिटी है, अलग एक्सपीरियंस है उसका, अपना कैनबरा सिटी का अलग एक्सपीरियंस, सब सिटी अपना आप में एक अलग ही ब्यूटी ब्यूटी उसकी जो भी उसका लाइक कामनेस, किसी में क्राउडनेस, किसी में तो सब अलग अलग है, थोड़ा सा क्राउडेड क्योंकि लगेगा क्योंकि ये सिडनी सिटी है, जब कैनबरा में आप अगर जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा काम है, सब बंदे लाइक पर्सन से इतना हॉप शॉप नहीं है, भाग नहीं रहे हैं, लाइक वेरी काम एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वो अलग एक्सपीरियंस है अपना, वो मेरे आप व्लॉग में देख सकते हैं वो भी। तो कैनबरा जाइए आप, जू म्यूज़ियम ये सब एक्सप्लोर कीजिए, और
ये सब एक्सपीरियंस कीजिए। 2 डेज़ आप वहाँ रुक सकते हैं। आप नेक्स्ट जब भी आएंगे तो आप अपना सिटी वापस आइए, सिडनी सिटी, और कुछ आपका रह गया है वो सब एक्सप्लोर कीजिए। हाँ, द फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री आप ज़रूर जाइएगा। मैं तो गई थी, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, जो मेनली गर्ल्स वुमेंस सबको पसंद होगी। सो जिस जिसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, डू कमेंट और बताइए और ज़रूर जाइएगा। लिंडेट फैक्ट्री है और उसकी भी मैंने एक शॉर्ट्स बनाई है, शॉर्ट बनाई है एक छोटी सी, वीडियो पूरा नहीं लिया था मैंने। तो उसकी जो आइसक्रीम है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, शेक्स, चॉकलेट्स एंड सब कुछ उसका बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आई विल से यू विल नॉट रिग्रेट इन गोइंग देयर। तो जब भी आप सिटी में कर रहे हैं तो आप घूम कर आ सकते हैं, आपके पास टाइम है तो शाम को, सो आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये आपको बताया मैंने, आइटनरी जो थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाला, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, अगर आप किसी और से लाइक आप अगर बाय प्लेन और सब जा सकते हैं दूसरे भी किसी बी सिटी में, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा होप चोप नहीं करना है तो यू आपका अगर आप सिडनी में भी स्टे करें ना, दैट इज़ मोर देन इनफ टू एक्सप्लोर ऑस्ट्रेलिया। सो यू कैन स्टे हियर, उसके आप आसपास ही आपको बीचेस इन द माउंटेन्स, द ठंडा एरिया, बिल्कुल बिल्कुल द हॉट एंड द कोल्ड वेदर, ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप एक उसमें, मैं बता रही हूँ। और उसका जो वेदर है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है वेदर के मामले में। मॉर्निंग में हमारी धूप होती थी आफ्टरनून में, और इवनिंग में इतना अच्छा वेदर होता था, लाइक हम वॉक के लिए जाते थे तो जो वॉक थी ना, आई विन फॉर अ हाफ एन आवर, वॉज दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। सो हमें बहुत मज़ा आता था क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन और इतना शोर शराबा ये सब नहीं है। सो इट फील गुड टू वॉक इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, सर्विस के मामले में आपको ये और बता देती हूँ कि सर्विसेज के मामले में अगर लाइक आप होटल्स वगैरह में रुक रहे हैं तो स्टाफ थोड़ा सा कम होता है, ये मैंने आपको अपने वैसे भी ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, इन कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा स्टाफ होता है, एक बार बोलने पर आपके पास 2 स्टाफ मिल जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है। सो थोड़ा सा आपको स्टाफ के मामले में लग सकता है, अदरवाइज़ ठीक है, ठीक ठाक क्लीनिंग वगैरह ये सब रहता है। और थोड़ा सा फूड के मामले में लग सकता है, बाकी आपका सर्च कीजिएगा, इंडियन फूड्स आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा, काफ़ी रेस्टोरेंट है जो हम काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी गए हैं, दैट वाज गुड, ऐसी बात नहीं है। फूड इजीली अवेलेबल होता है, इंडियन फूड आप कहीं भी आप सर्च कीजिए, आपको रेस्टोरेंट इजीली मिल जाते हैं। सो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप थोड़ा सा सर्च कर आपको थोड़ा सा वॉक वगैरह करके जाना होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ कीजिए, वो काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं आप। सो ये सब था हमारा ऑस्ट्रेलिया का, जो हमारे थे आइटनरी थी, हमारा घूमना फिरना वो था बहुत अच्छा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, और हम कहीं और भी घूमने चलेंगे इसके बाद। सो गुड बाय फॉर द ऑस्ट्रेलिया व्लॉग, सी द लास्ट ऑस्ट्रेलिया व्लॉग, बाय बाय।